ये मांडू है, मांडवगढ़। विंध्याचल पर्वत के ऊंचे शिखर पर 10वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा स्थापित मांडू एक ऐतिहासिक नगर और प्राचीन तीर्थ है। मध्य प्रदेश के धार से 35 किलोमीटर दूर मनमोहक प्राकृतिक एवं पौराणिक सौंदर्य से परिपूर्ण परिवेश में समुद्र तल से 633 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित मांडू देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मांडवगढ़नो राजियो नामे देव सुपार्श्व, ऋषभ कहे जिन समरता, पहुँचे मननी आश। जय जिनेन्द्र। दोस्तों, अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक जैन तीर्थ मांडवगढ़ है। विश्व में एकमात्र अत्यंत प्राचीन श्री सुपार्श्वनाथ दादा का धाम मांडवगढ़। इस तीर्थ के विराट परिसर में तीन तीन शिखरबद्ध जिनालय है। प्रभु की प्रतिमा संप्रतिकालीन होकर लगभग 2500 वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर के पीछे बाजू श्री समृद्धि पार्श्वनाथ प्रभु का मंदिर है। मांडवगढ़ तीर्थ में यात्रियों एवं श्री संघों को ठहरने एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था है। वर्षा काल में तो मांडव मालवा का कश्मीर बन जाता है। मुंबई से मांडवगढ़ का अंतर 560 किलोमीटर, सूरत से 460 किलोमीटर, अहमदाबाद से 400 किलोमीटर और बड़ौदा से 320 किलोमीटर है। यहाँ पर आने से पूर्व आप यहाँ की पीढ़ी पर एडवांस बुकिंग भी टेलीफोन से करवा सकते हैं। यहाँ की पीढ़ी के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व एक कविराज हुए जिनका नाम था ऋषभदास। ऋषभदास ने तीर्थ स्तवना स्वरूप एक चैत्यवंदन की सुंदर रचना की थी। उसमें मांडवगढ़ तीर्थ के मूलनायक श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की अनूठी महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि दादा के नाम स्मरण मात्र से मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। वह बात आज भक्तों में साक्षात अनुभूत हो रही है। मूलनायक प्रभु श्री सुपार्श्वनाथ के दर्शन के बाद हम इस मंदिर के नीचे तलघर में अलौकिक अद्भुत श्री मनोरथ कल्पद्रुम नीलवर्णा पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करेंगे। नीलवर्णा पार्श्वनाथ प्रभु बड़े चमत्कारी है और भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पर विराजित श्री नीलवर्णा पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा लगभग 3000 साल प्राचीन मानी जाती है। यह प्रतिमा उज्जैन जिले के बडनगर के पास टोकरा पारसनाथ गांव के खेत में से प्राप्त हुई थी। बाद में उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया गया था। इस प्रतिमा के मिलने के बाद वहाँ पर कुछ चमत्कार दिखने लगे, तब लोगों ने इसे सिंदूर लगाकर पूजन करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ और यह प्रतिमा इस मंदिर में कैसे आई, उसके बारे में यहाँ पर एक तख्ती में एक लेख लिखा गया है, इसे आप ध्यान से जरूर पढ़िए।
मुगलकालीन शासन से पूर्व मानवगढ़ अपने पूर्ण वैभव पर था। इतिहास गवाह है, यहाँ 300 जिनालय और 400 पौषधशालाएँ थी। वीर निर्वाण के 18वीं से 22वीं सदी तक, यानी कि ईस्वी सन 1274 से लेकर 1474 तक मांडवगढ़ में अनेक बुद्धिमान व शूरवीर मंत्री व श्रावक हुए। उन्होंने अपनी चलायमान संपत्ति का सदुपयोग करके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिया। मांडवगढ़ के मंत्री पेथड़ शाह, उनके पुत्र जांजण शाह, पंजराज, मुंजराज, मंत्री मंडन, संग्राम सोनी, गोपाल खजांची, दीवान जीवन, मेघराज, जड़ावशाह, जेठाशाह, गंधर्वशाह, भीष्मशाह, ऐसे कई नाम जो कि आज गर्व से लिए जाते हैं। शांतिनाथ भगवान की ये धातु की प्रतिमा यहाँ से 200 मीटर दूर श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया की मूर्ति के साथ भूगर्भ में से प्राप्त हुई थी। जहाँ से ये चारों प्रतिमा जी मिली थी, वहाँ पर उस जगह अभी राम जी मंदिर है। और ये जो शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा जी है, उसे मांडवगढ़ श्री संघ को सौंप दिया गया था। मित्रों, इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शांतिनाथ परमात्मा की प्रतिमा यहाँ से थोड़े दूर श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ किस जगह से, कहाँ से, भूगर्भ में से मिली थी, उस जगह का मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा और साथ में मांडवगढ़ का जैन इतिहास भी बताऊंगा। मांडवगढ़ के इस तीर्थ में अगर आप रात्रि मुकाम करते हैं तो रात की भावना का लाभ अवश्य लीजिए। यहाँ के दिव्य वातावरण में आप भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। और हाँ, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले नए वीडियो को देखने के लिए जैन स्टोरी 9 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Come on.